हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक निफ्टी पाठशाला। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के हूँ एक ऐसी धमाकेदार इंटरेस्टिंग सी वीडियो, जहां पर डिस्कस करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जिसको सीखने के बाद में अगर आपने उसे ट्रेडिंग में अपनी अप्लाई किया तो आपके लिए ट्रेडिंग बन जाएगी सुपर ईजी। उसके अलावा कुछ रूल्स होंगे, आपको सिर्फ उन रूल्स को फॉलो करना है, जो मैं बताऊंगा वो आपको करना है और ट्रेड इनिशिएट करके बस बैठे रहना है। इस स्ट्रेटेजी का सबसे बेस्ट फीचर पता ही क्या है? इस स्ट्रेटेजी का सबसे बेस्ट फीचर ये है कि जैसे आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो या मूविंग एवरेज या इंडिकेटर जो भी आप ट्रेड करते हो, मान के चलो ये एक बॉटम है, यहाँ पर आपने इसका हाई मार्क किया और इस कैंडल पे ट्रेड बना लिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जैसे ही यहाँ पर ये वाली रेड कैंडल आती है ना, आपको डर लगता है और आप अपनी पोजिशन को एग्जिट करते हो। उसके बाद क्या होता है, मार्केट और ऊपर जाती है चलती चली जाती है। अब आप रिग्रेट कर रहे होते हो कि काश ना काटा होता अपनी पोजिशन को, तो मैं अभी भी ट्रेड में बना रहता हूँ। तो ये जो सिचुएशन आती है ना, इसे कहते हैं नॉइज। इस नॉइज को कैसे अवॉइड करेंगे, फुल स्विंग पकड़ेंगे, अगर यहाँ ट्रेड बनाया है ना तो हम लोग यहाँ पर निकलेंगे इस जगह पर। अब ये कैसे होगा, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिस्टम आपको ये सारी चीजें बनाकर देगा। तो चलो जानते हैं कि वो कौन सी चीज है। सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, ये जो कैंडल्स बनती है यहाँ पर, ये एक नॉर्मल कैंडल स्टिक है। देखो मार्केट ने आपको कैसे डराया, यहाँ पर ये वाली जो कैंडल देख रहे हो ना, ये कैंडल देखो सबसे पहले क्या किया इस कैंडल ने, यहाँ पर से स्टार्ट हुई, उसके बाद मार्केट ये कैंडल यहाँ तक नीचे आई, आपको लगा कि यहाँ पर ये सपोर्ट है और ये सपोर्ट टूट रहा है तो अब यहाँ पे पुट की पोजीशन बना लेनी चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहीं से सीधा ऊपर। अभी आप यहाँ पर क्यों बैठे होते, आपको लगता कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है, प्रीवियस में भी यहाँ पर सपोर्ट बना था, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है इसके पास में, तो अब ये सपोर्ट टूट रहा है। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद यहाँ से ट्रैप दे करके मार्केट चली गई, तो इन ट्रैप से भी बचेंगे हम लोग। चलो डिस्कस करते हैं और जानते हैं सबसे पहले वो स्ट्रेटजी क्या है, तरीका क्या है। तो इन कैंडल से हमें बचने के लिए सबसे पहले आ जाना है अपने यहाँ पर जो कैंडल स्टिक होती है ना यहाँ पर, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ये हैकेनाशी कैंडल है, जैपनीज कैंडल होती है ये हैकेनाशी, तो इसे अप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पर जो वो रेड कैंडल थी ना वो गायब हो गई, नॉइज गायब हो गई। अभी मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि कहां पर ट्रेड लेना है और कहां पर एग्जिट करना है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना, इसके बिल्कुल मत करना, अगर एक भी पॉइंट छूटा तो आपसे ये स्ट्रेटजी मिस आउट हो जाएगी और आप लॉस कर सकते हो मार्केट। तो देखो यहां पर वो जो रेड कैंडल थी ना वो गायब हो गई। अब यहां पर जो मैं पुट में एंट्री करने वाली बात बता रहा था, देखो यहां पर एंट्री बन ही नहीं रही है। कैसे नहीं बन रही है, अब वो चीजें जानेंगे। देखो हमें यहां पर इंटर क्या करना है, देखो कैंडल स्टिक ये जो चलेंगी ना ये एक लाइन में चलेंगी, अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना तो बीच में अगर एक रेड कैंडल वहां पर ये आई भी थी ना तो वो आपको यहाँ पर शो ही नहीं होगी, आपको सिर्फ पॉजिटिव कैंडल ही शो होंगी, क्योंकि उस कैंडल में कितने बायर्स हैं और कितने सेलर्स हैं ये डिपेंड करता है कि उस कैंडल की क्लोजिंग ग्रीन में होगी या रेड में होगी। अगर बायर्स का इंटरेस्ट ज्यादा है ना उस कैंडल पर तो वहां पर कैंडल ऊपर ही जाएगी, भले वो नीचे आके वापस से ऊपर क्यों ना चली जाए। तो इस चीज को आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर पॉजिटिव कैंडल यहाँ से खुली है और उसके बाद मार्केट चली गई नीचे, मतलब एक कैंडल है नीचे चली जा रही है, उसके बाद में एकदम से कैंडल क्या करती है ऊपर चली जाती है, इतनी बड़ी विक छोड़ करके वो पॉजिटिव कैंडल बन जाती है। तो इन चीजों से भी हम बचेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हम लोग ट्रेड कहाँ पर से पकड़ेंगे। देखो ये जो कैंडल में आपको विक दिख रही है ना, ये कैंडल ऐसी होती है कि जैसे ये बॉडी है कैंडल की, सॉरी फॉर द ड्राइंग, तो मान के चलो ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल में हमेशा यहाँ पर विक ऊपर होगी, और अगर यही रेड कैंडल है ना तो रेड कैंडल में विक ऊपर के बजाय यहाँ पर नीचे होगी, ठीक है। हमेशा ये कैंडल ऐसे ही कुछ बनती हैं, आप यहाँ पर चार्ट पर भी अगर देखोगे ना तो ग्रीन कलर की जितनी कैंडल्स होंगी उसमें विक ऊपर होगी, और जब रेड कैंडल बनेगी तो रेड कैंडल में विक नीचे होगी। इसमें विक से कोई लेना देना नहीं होता है, जैसे हम लोग एक नॉर्मल कैंडल स्टिक जो हम लोग यूज करते हैं ना उस कैंडल के ऊपर विक का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन यहाँ इस हैकेनाशी कैंडल में विक से कोई मतलब नहीं है। विक को हमें देखना ही नहीं है, कैंडल के कलर को देखना है और कैंडल किस तरह की बन रही है वो देखना है इस मार्केट में। अब यहाँ पर ट्रेड करने के इस तरह से जो सिंपल रूल है वो मैं आपको समझा देता हूँ। हम लोग कभी भी बनती हुई कैंडल स्टिक के ऊपर एंट्री नहीं करेंगे, मान के चलो ये ग्रीन बनती चली जा रही है ना, यहाँ पर हम कभी भी एंट्री करेंगे ही नहीं। हम एंट्री कहाँ करेंगे, जब ये बन जाएंगी ना मार्केट को जहाँ जाना है वहां चली जाएगी, मार्केट के जाने के बाद में एक जगह ऐसी आएगी, मान के चलो कि अगर मार्केट ऊपर जा रही थी तो रेजिस्टेंस पर जहां से मार्केट को टर्न होना है, वहां पर जाते जाते अगर यहां से टर्न हो रही है तो यहां पर मार्केट कुछ कैंडल स्टिक आपको यहां ऐसी देगी जिसमें दोनों तरफ विक होगी, ऊपर भी नीचे भी, कुछ डोजी टाइप की कैंडल्स, ठीक है। जब ये कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी
अगर वो पॉजिटिव बनती है तो हम लोग फिर से कॉल साइड में बैठेंगे, और अगर निगेटिव बनती है तो हम लोग पुट के साइड में आके बैठ जाएंगे। तो चलो चार्ट के ऊपर देखते हैं, समझते हैं, और ऐसे ही एग्जिट भी करना है। मान के चलो यहाँ पर आपको ये डोजी कैंडल्स आई, इसके बाद में एक यहाँ पर ये निगेटिव कैंडल बनी, आपने पुट का ट्रेड ले लिया, आप सपोर्ट यहाँ पर है मान के चलो, तो आपको यहाँ सपोर्ट तक सिर्फ रेड ही रेड कैंडल देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पर आकर के आपको जब दोनों तरफ विक वाली डोजी टाइप की कैंडल नजर आए, तब आप देखो कि उसके बाद क्या ग्रीन कैंडल सस्टेन कर रही है। अगर सस्टेन कर जाती है एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, तब आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते। एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं करना है इस स्ट्रेटेजी में। ना कोई इंडिकेटर की जरूरत है, ना ही सपोर्ट रेजिस्टेंस की जरूरत है, ना ही प्राइस एक्शन की जरूरत है। जैपनीज लोग इस कैंडल का यूज करके मार्केट में बहुत पैसा बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर मार्केट ये ग्रीन रेड कैंडलें दिख रही हैं, नीचे आई, उसके बाद ये देख रहे हो दोनों तरफ विक वाली कैंडल है, उसके बाद ये देखो दोनों तरफ विक, इसमें भी नॉइज है, इसमें बॉडी नीचे की तरफ है। एकदम परफेक्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली, ये कैंडल एकदम परफेक्ट बन रही है। अब इस कैंडल के बाद देखो ये वाली कैंडल एकदम परफेक्ट बनी है, इस कैंडल के बाद मार्केट सीधी ऊपर चली गई। अब जहां पर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद जब मार्केट ने यहाँ पर एक नेक्स्ट कैंडल दी जिसमें दोनों तरफ वीक है, इस तरह की कैंडल देख करके उसके बाद जैसे ही रेड कैंडल ये वाली सस्टेन करती है, लोग यहाँ पे पुट की ट्रेड बनाते हैं। एग्जिट हमारा होगा ये वाली जो रेड कैंडल बनी है ना दोनों तरफ वीक वाली, यहाँ हमारा एग्जिट हो जाएगा। ओवरऑल आप अगर देखोगे तो आप सोचोगे कि यार यहाँ तक मार्केट आई, मेरा प्रॉफिट यहाँ बुक हो रहा है। देखो मेन मुद्दा क्या है, मार्केट में लॉस नहीं करना है, पैसा ले करके जाना है, ठीक। आपने यहाँ से यहाँ तक सिंगल लॉट ही चलो मान के चलते हैं, 1000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपने एग्जिट किया तो वो प्रॉफिट 700 का रह गया, ठीक। अब क्या आपको 700 रुपए का प्रॉफिट खल रहा है? अगर ये वापस से लॉस में कन्वर्ट हो जाता, माइनस 1000 हो जाते तो वो बेटर था, या ये सिर्फ 700 का आपका प्रॉफिट आ रहा है ये बेटर है? जो भी आ रहा है ना उसे लेके निकलो, नेक्स्ट ट्रेड फिर से करेंगे। आप पूरा दिन ट्रेड करो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि एक ट्रेड करना है उसके बाद मार्केट में इंटर नहीं करना है। आप मार्केट की सिचुएशन को देखते रहो, जब भी आपको कैंडल स्टिक मिले बस वहां पर आप एंट्री बना लो, बस चलती हुई मार्केट में एंट्री नहीं करना वरना लॉस करोगे। ये जैसे बनती चली जा रही है ना कैंडल, इनमें हमें कभी भी घुसना नहीं है जब तक कि हमें डबल विक वाली कैंडल ना मिल जाए। तो देखो और ट्रेड देखते हैं, ये देखो यहाँ पर मार्केट ग्रीन चलता चला आ रहा है, यहाँ पर ये डबल विक वाली कैंडल मिली हमको, उसके बाद एक रेड कैंडल सस्टेन हुई, उसके बाद देखो मार्केट कहाँ गिर रही है, उसके बाद ये देखो यहाँ पर ये कैंडल मिलती है डबल विक वाली, उसके बाद ये देखो एक अभी हमारी यहाँ पर आप सोचोगे एग्जिट क्यों नहीं हो रही है। मैंने क्या कहा कि जब भी डबल विक वाली कैंडल बनेगी, डबल विक वाली कैंडल के बाद फुल बॉडी कैंडल बनना चाहिए। फुल बॉडी कैंडल कैसी होगी है क्या नाशी में, ये देख लो, ये फुल बॉडी कैंडल्स हैं, इसमें विक नीचे की तरफ होती है, ये को फुल बॉडी बोलते हैं, और जो पॉजिटिव होगी उसमें विक ऊपर की तरफ होगी। एक जब तक कि हमें नेक्स्ट कैंडल वैसी नहीं मिलती, हमें उस तरह की कैंडल नहीं मिली, फिर से पॉजिटिव कैंडल मिल रही है, तो हम लोग फिर से ट्रेड में बैठे हुए हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये देखो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर मार्केट रुकने लग गया, अब ये देखो डबल विक वाली जैसे ही कैंडल आई उसके बाद फुल बॉडी कैंडल सस्टेन होना शुरू, और पुट में ये देखो ट्रेड, देखो यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनने लग गई, ये देखो फुल बॉडी कैंडल बनी है रेड ग्रीन कलर की, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एग्जिट मार देंगे, ट्रेड से निकल जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी होने वाली है ये, बस आपको इसे फॉलो करना है, जो रूल्स मैंने बताए हैं सेम वही रूल्स फॉलो करना है। कभी भी चलती हुई मार्केट में एंट्री नहीं करनी है, जहां पर मैंने एंट्री बताई है वैसे ही एंट्री करेंगे, एग्जिट जैसे बताई है वैसे ही करेंगे। आप हमेशा मार्केट से प्रॉफिट लेके ही उठोगे, लॉस में कभी नहीं निकलोगे। ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकॉन दबा देना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की बिल्कुल डिफरेंट और सिंपल टाइप की वीडियो लेकर के आता हूँ जो आपकी ट्रेडिंग को सुपर ईजी बनाती है। इसलिए बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही डालूं आप तक की नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।